हेलो हेलो। हेलो सर जी, सुनाई में आ रहा है जो असलम संगर ने न्यू सॉन्ग भरा है उसमें पुलिस वालों ने मुकदमा कर दिया, इस पे इसके बारे में कुछ बताओगे आप? जी, ये जो मेवाती सिंगर था असलम सिंगर, जी जो मेवात में काफी मशहूर भी है, जी तो इसके खिलाफ अभी एक हाल ही में जो बिछौर थाना है, जी एक FIR दर्ज की गई है पुन्हाना में जी जी कि इसने एक गाना भरा था जिसका नाम बताया जा रहा है कि वो 7,000 के नाम से फेमस हुआ है। जी 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 तो उसमें इसने जो विद्युत विभाग है यानी बिजली विभाग, उसको एक आपत्तिजनक तरीके से गाने के माध्यम से गाली दी है, जी जिसमें जितने भी जो एम्प्लॉयज हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं बिजली विभाग के हों या फिर वो अन्य किसी भी डिपार्टमेंट से हों, उन जी सभी के अंदर इस गाने को लेकर काफी गुस्सा है क्योंकि उनको इसमें गाली दी गई है गाने के माध्यम से। जी जी जितने भी जो कर्मचारी हैं वो काफी नाराज हैं इस वजह से। तो अब इस पर जो असलम सिंगर है उसके ऊपर पुन्हाना पुलिस ने एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। जी जी बिजली विभाग है पुन्हाना का, उसने असलम जो सिंगर है, जी रेजिडेंस ऑफ नवलगढ़ बिछोर, उसके जी खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए एक लेटर लिखा है जी जिसकी एक कॉपी पलवल को भेजी गई है, पलवल विद्युत विभाग को और SP पलवल जी को। अपने जी जो नुहू है, नुहू पुलिस को भी एक कॉपी इसकी सेंड की गई है, और जी जो पुन्हाना की पुलिस है, जो वहाँ के SP हैं, बढ़ाना बढ़ाना करके हैं कोई, उन्होंने भी इस चीज का अब आश्वासन दे दिया है कि बहुत ही जल्द जो असलम सिंगर है उसको कार्रवाई करके उसके ऊपर उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी कि इसमें पूरी केंद्र सरकार को भी गाली दी गई है और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उन सभी को टैग किया गया है, उन सब की भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। जी तो जो असलम सिंगर है उसने अपनी जो एक लिमिट्स होती है, चाहे वो अनपढ़ता के कारण लगा लो या फिर उनको इस चीज की नॉलेज नहीं थी कि आप जी किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर गवर्नमेंट को इस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी उनके ऊपर नहीं कर सकते, उन्होंने ये काम किया। जी इसकी वजह से अब उनके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई होगी और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और हो सकता है कि वो आगे फ्यूचर में, इन फ्यूचर शायद वो सॉन्ग भी ना भर पाए। जी